गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की खांडवी। आपने मेरे इस चैनल पर दूसरी तरह की खांडवीज देखी हैं, मगर आज हम बनाएंगे झटपट सूजी की खांडवी। और ये सूजी जो है मेरी रोस्टेड, एक्चुअली मैं इसको ला करके हल्का सा रोस्ट करके रख देती हूँ ताकि इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। और इसमें डालने के लिए जो है ये मैंने आटा ही लिया है, आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकती हैं, कोई और दूसरे तरह का हेल्दी आटा अगर आपके पास है तो ले सकती हैं। मेरे पास अवेलेबल हैं सारे आटे, मगर मैं जो हूँ वो इसके कलर चेंज ना हो इसलिए थोड़ा सा इसको अवॉइड करूँगी और मैं आटा ही यूज़ करूँगी जो हम नॉर्मल है, जो हम चपाती में काम लेते हैं। जितनी हमने सूजी ली है उतनी हम कर्ड लेंगे। और ये घर की जमाई हुई है और इसमें डालने के लिए मैंने जिंजर को ग्रेट कर लिया है। वैसे इसमें जब हम इसको ग्राइंड करेंगे फ्रेंड्स तो ये अपने आप हो जाता है, मगर फिर भी मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। ग्रीन चिली ली है और जितनी दही है उतना ही हम पानी लेंगे। तो अब हम इन सबको अपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स बहुत हेल्दी बनेगी और अच्छी और समथिंग इज़ डिफरेंट, तो आज हम इसको बना के देखते हैं। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अपनी थाली को ग्रीस कर लेंगे। थाली या प्लेट ऐसी लें जो आपके स्टीमर के अंदर आ जाए। अब हम इसको एक स्ट्रेनर में जो है वो स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसमें अगर जिंजर वगैरह या हरी मिर्च रह गई हो तो उसको छान लिया जाए। ग्राइंडर में थोड़ा पानी डाल के चारों तरफ लगे हुए बैटर को इसमें ले लेंगे। इसको भी इसमें डाल के छान लेंगे। ये इस तरह का बच जाता है फ्रेंड्स। इसको आप फेंके नहीं, आटे में भी मिला करके गून सकती हैं और एक अच्छा सा पराठा बन सकता है चटपटा। आप चाहें तो हींग भी मिला सकती हैं और अगर नहीं चाहती तो मत डालिएगा, या चाहते तो। अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे फ्रेंड्स, पोरिंग होनी चाहिए। अभी इसमें थोड़ा सा पानी और डालते हैं, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। ध्यान रखिए हमने ग्रीन चिली डाली हुई है। नमक जो है इसमें कम ही रखें, नहीं तो ज़्यादा लगेगा। आप जिस स्वाद से खाते हैं उससे थोड़ा कम रखिएगा। हल्का सा पानी डालेंगे, फैल जाना चाहिए हमारा बैटर, ऐसा होना चाहिए। अब इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, नो इनो, नो सोडा, नो बेकिंग पाउडर। और अपने स्टीमर को तैयार कर लेंगे। मैंने अपना स्टीमर तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। प्लेट्स की जगह आप थाली भी ले सकती हैं, वो ज़्यादा अच्छी रहेंगी किनारे वाली हो तो। एक्चुअली मेरे पास है तो सही, मगर वो थोड़ी इससे जो मैंने स्टीमर बनाया है उससे थोड़ी सी बड़ी है। और यदि आपके पास एल्यूमिनियम के जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं उसका ढक्कन हो तो उसमें बना सकते हैं, पर थोड़ा सा उठा हुआ होगा उसके अंदर। तो इसमें मैं अब अपने बैटर को हम अच्छी तरह से हिला लेंगे और हिला करके इसमें ऐसे दो के करीब डाल देते हैं और इसको ऐसे फैला देंगे। खांडवी अलग अलग बनाई जाती है फ्रेंड्स, हर तरह से उसको बनाने का तरीका अलग होता है। अब हम उबलते हुए पानी में रखेंगे और इसको कवर कर देंगे और दो मिनट इसको हमें रखेंगे ताकि ये पक जाए। दूसरी प्लेट को तैयार कर लेते हैं। इसके साथ ही अब मैं साइड बाय साइड अपना तड़का तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे ही हमारी खांडवी एक तैयार होगी हम उस पर मसाला डाल के उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं राई डालूंगी, आपको पसंद हो तो डालिएगा, अदरवाइज स्किप कर सकती हैं। केवल आप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर से भी काम चला पाएंगी।
मगर मैं इसमें ये सब अपना डालूंगी ताकि उसका टेस्ट आ जाए। छिड़कते ही कुछ फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली, गैस को स्लो कर देंगे, इसको हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे। करी पत्ता, ये इसमें बहुत अच्छा स्वाद लाएगा फ्रेंड्स। इसके हल्के क्रिस्प होते ही इसको जो है गैस को ऑफ कर देंगे। प्लस इसमें हल्की सी लाल मिर्च पाउडर और डेसिकेटेड कोकोनट। गैस बंद करके करिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो वो ये कड़वापन ले आएगा। ये हमारा तड़का भी तैयार है, इसको उतार लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुक हो चुकी है, आप इसके ऊपर कलर चेंज देख चुके हैं। अब हम इसको उतार लेंगे, निकाल लेंगे वेरी केयरफुली फ्रेंड्स। निकालने का वही तरीका, स्पैचुला जो है आपका लंबा होना चाहिए, लॉन्ग हैंडेड, और इसको निकालेंगे। ये देखिए नेक्स्ट को इसमें फिर से रख देते हैं, कवर इट, इसको ठंडा होने देंगे। इसके कुक होने की जो साइन है या उसका निशानी जो है वो इस तरह से कोनों से उठता हुआ होगा। फिर इसको ऐसे चाकू की सहायता से उठा देंगे, और आपको लग रहा हो कि पतला है तो आप इसकी बैटर की मात्रा जो है बढ़ा सकती हैं। ये देखिए, अब हम इसको इस पर जो हमने तड़का बनाया है उसको हल्का सा स्प्रेड करेंगे इस तरह से। और इसे ऐसे लंबे लंबे पीसेस में काट लेंगे। ये डालने से पहले हम इसको पलट लेंगे, फिर इसके ऊपर अब हम डालेंगे। दोनों तरफ से कर सकते हैं, पर इस तरफ से करने में थोड़ा सा वो रोल करने में और चिपकने में थोड़ा सा ठीक रहता है, अदरवाइज वैसे भी कर सकती हैं। कट करने के बाद एक एक रोल को जेंटली इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे। ये देखिए, अब दूसरे को निकालेंगे उसी तरह से और इसको भी फोल्ड कर लेंगे। दोनों हाथों की सहायता से, एक्चुअली मेरे एक हाथ में कैमरा है, 3 लेयर को भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से अपनी खांड भी बनाते जाएंगे फ्रेंड्स। और अब इस प्लेट को यूज करेंगे तो इसको साफ कर लेंगे, साफ इन द एक गीला कपड़ा रखिए उससे पोंछ लीजिएगा। हमारी सेकंड जो है वो भी तैयार है, इसको निकाल लेते हैं। थर्ड प्लेट भी तैयार करते हैं, सेकंड को काट लेंगे। हल्का ठंडा होने पर ही उतारें फ्रेंड्स, नहीं तो टूट जाएगा। और एक बात है फ्रेंड्स, जितना आप घूमोगे देश विदेश में या अपने ही देश के विभिन्न प्रांतों में, तो आप इतना कुछ पाते हैं हम लोग, खाने में भी, पहनने में भी, भाषा में भी। और रियली हमारा जो वास्तव में जो कहेंगे हम उदारवादी दृष्टिकोण जो है, या जिसको आप नॉलेज कहते हैं, वो इस तरह से घूम कर ही आती है। अब हम इसे, तो मुझे सौभाग्य मिला बचपन से ही, और साथ ही जब सर्विस ज्वाइन की तब भी, तो उसी का परिणाम है कि मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको पलट लेंगे। और एक्चुअली बचपन कैसे बीतता है, पेरेंट्स किस तरह से आपको जो है आपका पालन पोषण करते हैं, वो बहुत ज़्यादा असर डालता है। अब इस तरह से डाल करके फिर वैसे ही कट करके सेम प्रोसीजर हम लोग जो हैं वो दोहराएंगे, और इस तरह से हमारी खांड भी बहुत अच्छी बन जाती है। आप इसके साथ में चटनी बना सकती हैं, नारियल की बना लीजिए, चने की बना लीजिए, जिसकी भी आप चाहें, धनिया की, पुदीना की, और नहीं तो सॉस एवरग्रीन तो होता ही है, उसको हम जो है यूज़ कर सकते हैं।
अदरवाइज आप इसको एज ए स्नैक्स ऐसे भी ले सकती हैं, चाय के साथ, कॉफी के साथ। टाइटली इसको हम जो है फोल्ड करेंगे। अब ये हमारी खांडवी तैयार है, सूजी खांडवी। और इसको जो है आप अगर फिर से तड़का देना चाहते हैं तो लगाइए, इसको अगर हल्का फ्राई करना चाहते हैं तो कर कीजिए, अदरवाइज स्टीम्ड है, हेल्दी है और हमारे लिए अच्छी है, तो आप इसको एज ए स्नैक्स कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और इसके ऊपर ही हम कुछ इस तरह से या तो केवल डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं, आप वो भी डालिएगा और फिर खाइए, खिलाइए। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स ए लॉट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, घर में जो कोकोनट पसंद नहीं करते हैं, उस तरह का नहीं पसंद करते हैं जैसा अभी हमने बनाया था, तो उसमें कुछ चेंज कर लेती हूँ मैं और उसको विदाउट तड़का ही हम लोग इसको ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। और ये इजीली फोल्ड हो जाता है, टाइटली करेंगे। इस तरह से तड़का लगा के आप इन्हें दे सकते हैं, एक तरीका ये भी है।